चुड़ैल की जन्मी बेटी। आरती अपनी माँ के साथ शिवपुरी गांव में रहती थी। उसके पिता की मौत काफी साल पहले हो चुकी थी। उसके पिता के जाने के बाद उसका घर उसकी माँ ही चलाती थी। अब वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी और अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी घर आ जाना, घर पर बहुत काम है। मैं भी काम पर जा रही हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आरती और उसकी दोस्त को कॉलेज का काम खत्म करते ही शाम हो जाती है। कुछ देर होते ही आरती के दोस्त के पापा आ जाते हैं और उसे लेने के लिए वो आरती से पूछती भी है कि क्या तुम्हें छोड़ दें। तब आरती के मना करने के बाद वो आरती के घर से दूसरी दिशा की ओर अपने घर की ओर चले जाते हैं। इधर आरती को शाम ज्यादा होने के कारण उधर से आने के लिए ऑटो और रिक्शा भी नहीं मिलता और रात हो जाती है। तभी आरती सोचती है, मुझे अब पैदल ही निकलना चाहिए, लगता है कोई ऑटो नहीं मिलेगा। माँ घर पर चिंता से इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर आरती पैदल ही चल पड़ती है और अपने गांव के पास पहुंचते ही शिव मंदिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तभी आरती वहां रुककर ध्यान से सुनती है कि क्या किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है। और फिर आरती निश्चित करने के लिए मंदिर में जाकर देखती है तो उसे एक बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। सफेद कपड़े में लिपटी हुई सीढ़ी पर रखी हुई होती है। हे भगवान, कौन इस बच्ची को इतनी रात गए यहाँ छोड़ गया है? जरा भी माया नहीं आई उसे इस मासूम को छोड़ते हुए। जैसे ही वो उसे गोद में उठाती है तो देखती है कि उसके आँख नीले थे और उसके सर के बाल भी बड़े थे एवं उसके हाथों के नाखून भी थोड़े बड़े थे। ये देखकर आरती थोड़ा घबरा सी जाती है लेकिन सोचती है, हो सकता है इस बच्ची के ज्यादा रोने से इसकी आँखें नीली पड़ गई है और जो इसे छोड़ गया है वो इसे रखना नहीं चाहता है, इसीलिए इसके बाल और नाखून तक नहीं काटा है। ये सोचकर आरती भगवान का नाम लेकर उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले आती है। आरती की माँ उसे लेट आता देखकर आरती पर ऐसे ही गुस्सा हो रही थी और उसके हाथ में एक बच्ची को देखकर और भड़क उठती है। कहाँ थी? ये कोई घर आने का समय है? रात के 9 बजे हैं और ये किसकी बच्ची है तुम्हारे हाथ में? माँ थोड़ी शांत हो जाओ, फिर मैं सब कुछ बताती हूँ। यहाँ चिंता के मारे मेरी जान निकल रही थी और तू शांत होने के लिए कह रही है, अब आ गई हूँ ना माँ, आप चिंता मत करो। आरती के समझाने पर उसकी माँ थोड़ी शांत होती है। फिर आरती फ्रेश होकर माँ को सारी बातें बताती है और बात करने के बाद उस बच्ची के कपड़े भी बदलती है। तभी उसके हाथ पर अहिल्या लिखा दिखाई देता है। तब से वो उसे अहिल्या नाम से बुलाते हैं। माँ, कॉलेज का काम करने में लेट हो गई और फिर शाम होने पर ऑटो ही नहीं मिल रही थी और उसके इंतजार में रात हो गई। फिर आते वक्त रास्ते में शिव मंदिर से बच्चे की रोने की आवाज आई, तब मैं उसे देखने गई और फिर कुछ देर वहाँ रुककर इंतजार भी किया कि कोई आए तो उसे उसकी अमानत दे दूं, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं उसे अपने साथ ले आई, मैं इसकी देखरेख करूंगी। तू ये क्या कह रही है आरती, तू पागल हो गई है क्या? हमारे खुद के खर्चे तो पूरे होते नहीं है और तुम्हारी अभी तो पढ़ाई चल रही है, फिर कैसे ये सब देखोगी? माँ, आप ज्यादा चिंता ना करो, मैं कर लूंगी सब। तू पागल हो गई है, करो तुमको जो करना है। आरती की माँ गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। फिर आरती उस बच्ची की आंसू देखती है और उसे गले से लगाकर अपने कमरे में ले आती है और उसका ध्यान रखने लगती है। फिर आरती अपने घर और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बच्ची का भी पूरा ध्यान रखती है। एक दिन आरती कॉलेज जाती है। माँ, आप थोड़ा बच्ची का ध्यान रख लेना, मैं कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना, मैं चली जाऊंगी अपने काम पर। आरती के कॉलेज जाने के बाद बच्ची के रोने पर आरती की माँ थोड़ी गुस्सा होती है और उसे अपने घर की आर्थिक हालत की भी चिंता होती है। तभी माँ की चिंता देखकर अहिल्या अपनी शक्ति से अपने घर पर किसी व्यक्ति से पैसे भिजवाती है। ऐसे और भी अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं और आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। फिर आरती की माँ भी उस बच्ची के आने से हुए घर में परिवर्तन से अहिल्या पर ध्यान देने लगती है। बेटी, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं इस बच्ची का ध्यान रख लूंगी। ठीक है माँ। फिर अहिल्या धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसके बाल दूसरे बच्चों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर आसपास की महिलाएं और उसकी माँ और आरती को भी थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो उसके बाल कटवा दिया करते थे। और बढ़ती उम्र के साथ अहिल्या की शक्ति भी बढ़ रही होती है।
जिससे वो घर के लोगों की अधिक मदद करती थी। और फिर एक दिन, आरती मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे इस बच्ची को लाने पर बहुत डांटा था, परंतु अब मुझे एहसास हुआ इसके आने से मेरे घर की स्थिति सुधर गई है। हाँ माँ, ये लड़की बहुत ही भाग्यशाली है, परंतु इसका शारीरिक बदलाव बहुत ही अजीब लगता है। अहिल्या की बढ़ती उम्र के साथ वो एक दिन 18 वर्ष की होने को आती है। उसको 18 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व से एक सपना बार बार आता है, और वो सपना था शिव मंदिर जाने का। फिर वो 18 वर्ष पूरा होते ही एक दिन शिव मंदिर जाती है, तभी वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। आ गई बेटी तुम, मैं कितने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन हो आप और मुझे इस मंदिर में आने की बार बार सपने क्यों आते थे? बेटी, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम एक चुड़ैल की बेटी हो। क्या? आप ये क्या कह रही हो? मुझे विस्तार से बताइए। बेटी, एक चुड़ैल जिसका कर्तव्य इस मंदिर की रक्षा करना था, और वो कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी। ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु उसने इस नियम को तोड़ दिया और वो किसी के चंगुल में फंस गई। और फिर एक दिन एक बच्ची पैदा की जो तुम हो। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अब मैं ये सुनकर क्या करूंगी? बेटी, अब इस शिव मंदिर की रक्षा तुम्हें ही करना है, इसीलिए तुम्हारी 18 वर्ष पूरे होने की मैं राह देख रही थी कि तुम इस मंदिर में आओगी। अहिल्या उस बूढ़ी औरत की ये सब बात सुनकर सब कुछ समझ जाती है, और वो इस मंदिर में रहकर शिव मंदिर की रक्षा करने लगती है, और भगवान शिव की भक्त बन जाती है, और उसे ऐसा करने पर बहुत शांति मिलती है। अहिल्या को अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है।